और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उनके कारोबारियों पर आईटी ने दबिश दे दी है। आपको बता दें, तीसरे दिन भी कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर की टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। राजधानी रायपुर के बड़े फाइनेंस ब्रोकर के ठिकानों पर भी यहां पर दबिश दी गई है। जितेंद्र गुलानी के ठिकानों पर आईटी की टीम जाँच पड़ताल कर रही है। इससे पहले कार्रवाई के दौरान आईटी की टीम ने 1 करोड़ रुपए की राशि जब्त की है। वहीं कुछ जगहों से ज्वेलरी भी जब्त होने की बात सामने आई है। जब्त ज्वेलरी की कीमत का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि कारोबारियों के ठिकानों पर आयकर विभाग को बोगस डिजिटल सबूत भी हाथ लगे हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के करीबी और सिविल इंजीनियर प्रमोद टोप्पो और निजी सहायक राजेश वर्मा को आईटी की टीम ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। कहा जा रहा है कि ये दोनों अमरजीत भगत के राजदार भी थे। वहीं अमरजीत भगत के साथ ही कई जगहों पर तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी है। बता दें कि ईडी ने प्रदेश के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को कोयला घोटाले में भी आरोपी बनाया है। इसके साथ ही चावल घोटाले में भी उनका नाम सामने आया है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर में लगातार आईटी की जो कार्रवाई है वो जारी है और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत इस वक्त हमारे कैमरे में नजर आ रहे, देखा जा सकता है। परसों सुबह से उनके घर में सुबह 7 बजे से जो आयकर की टीम है लगातार यहां पर मौजूद है, देखा जा सकता है। सुरक्षा बल के साथ यहां पर दबिश दी गई है और अमरजीत भगत इस वक्त अपने घर की छत पर चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे कैमरे में अमरजीत भगत हाथ हिलाकर अभिवादन भी करते हुए नजर आ रहे, देखा जा सकता है। सीधी तस्वीरें जो है वो हम अमरजीत भगत के बगले से दिखा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के जो जवान हैं वो भी मौजूद है। एमपी की गाड़ी और महाराष्ट्र की गाड़ी लगातार यहाँ पर पहुंच रही, अफसर लगातार पहुंच रहे हैं और कार्रवाई जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है लगातार जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आगे यहाँ पर आकर सुरक्षा बलों की भी जो तस्वीर है वो जरूर दिखाएं, देखा जा सकता है यहाँ पर सुरक्षा के जो जवान है वो तैनात है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। महिला पुलिस को भी लगाया गया था। कल ही यहाँ पर जो जिस दरवाजे से अमरजीत भगत नजर आते थे वहां पर तालेबंदी कर दी गई थी। सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर जिस गेट से अमरजीत भगत आना जाना करते थे वहां पर तालेबंदी कर दी गई है और अब यहाँ पर सीधे तौर पर अमरजीत भगत नजर आ रहे हैं। बातचीत करने की उन्होंने कोशिश की थी लेकिन इसके बाद से उनकी मुसीबतें जो है, मुश्किलें जो है वो बढ़ी हुई है और यही वजह है कि गेट पर तालेबंदी कर दी गई है और उन्हें बातचीत करने से भी रोक दिया गया है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, 24/7 रायपुर।